लगभग 3 दशक पहले की बॉलीवुड फिल्में अगर आपको याद हैं, तो उनके विलन भी कुछ ऐसे ही काम करते थे जैसे संदेश खाली के शाहजहां शेख ने। उन फिल्मों के विलन भी ऐसे ही काम करते थे जैसे आरोप शाहजहां शेख पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहजहां शेख ने आखिर ऐसा क्या किया है और शाहजहां शेख आखिर है कौन, तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले लीजिए कि शाहजहां शेख आखिर है कौन और उन पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी भी एकदम फिल्मी है। शुरुआत में वो मजदूर भी रहे, मछली पालन का काम भी किया, ईंट भट्टे पर भी काम किया, लेकिन जब उनका वर्चस्व बढ़ा तो वो पूरे इलाके में बेताज बादशाह के नाम से मशहूर हो गए। बात करें अगर शुरुआती दिनों की, तो अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े शाहजहां शेख ने मजदूरी करके एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। 2004 में CPIM से शाहजहां शेख जुड़ा। इसमें उनकी मदद उसके मामा मौसलेम शेख ने करी। 6 सालों तक अपने मामा की शागिर्दी में वो आगे बढ़े। संदेश खाली में सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भंजे का ही नियंत्रण था। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने इसे भाप लिया और फिर वो TMC नेताओं से नजदीकी बढ़ाकर पार्टी में आ गए। शाहजहां शेख ने शुरुआत में TMC राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना TMC जिला अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया। जब ज्योति प्रियम मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। TMC के बैनर तले ही शाहजहां शेख ने अपनी ताकत में इजाफा किया, धीरे धीरे संपत्ति बढ़ाई और खुद की एक रॉबिनहुड की छवि इलाके में बना ली। इलाके में कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था तो कुछ के लिए खलनायक। यही वजह रही कि 2011 से 2024 तक महिलाएं इलाके में शाहजहां शेख के आतंक को सहती रहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। देखते ही देखते शाहजहां शेख ने अपार संपत्ति अपने नाम कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि अपार संपत्ति आखिर आई कहां से, तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आरोपों का। पहला आरोप 10,000 करोड़ गबन करने का। दरअसल शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रियम मलिक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को पकड़ने संदेश खाली पहुंची तो उसी पर हमला हो गया। शाहजहां के समर्थकों ने ऐसा अटैक किया कि ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। शाहजहां शेख को ज्योति प्रियम मलिक का काफी खास माना जाता है। राशन घोटाले में मलिक के पकड़े जाने के बाद शाहजहां ईडी के निशाने पर आ गया था। दूसरा आरोप है कि उसने कई लोगों की जमीन भी हड़पी। और इसके बाद तीसरा और सबसे अहम आरोप स्थानीय महिलाओं ने लगाया शाहजहां शेख के ऊपर यौन शोषण का। अब अगर हम बात करें इसकी संपत्ति के बारे में, तो राज्य चुनाव आयोग के अनुसार शाहजहां शेख के पास करोड़ों की संपत्ति है। इसमें 17 वाहन, 2.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने और 14 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है। इन सबकी कुल कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उसी हलफनामे में बताया गया कि उसमें बैंक खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए जमा भी हैं। फिलहाल शाहजहां शेख अभी सलाखों के पीछे हैं और देखना होगा कि आगे उन पर क्या कार्यवाही होती है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।